हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक जिसका मास 5 किलोग्राम है और ये रेस्ट में है उससे स्ट्राइक करता है, और टकराने के बाद ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल मोमेंटम, आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है, टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन। मैं इसको इनिशियल मोमेंटम कह दे रहा हूँ, तो मैं बॉल का मोमेंटम निकाल लूँगा M1U1 फॉर्मूले से, और ब्लॉक का मोमेंटम निकाल लूँगा M2U2 फॉर्मूले से। तो M1 की वैल्यू है 1, U1 है 10, M2 है 5 और U2 है 0, तो ये टोटल वैल्यू आ गई 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब आपको कंबाइंड मोमेंटम, आप तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 10 है, तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 + 5 × V, इससे हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 10/6, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 10/6, यानी 1.67 मीटर पर सेकेंड, यानी कंबाइंड बॉडी इतनी वेलोसिटी से मूव करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है इन 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड ऑल्सो द फोर्स। तो अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम PI इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी 100 × 5, तो ये 500 हो गया, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट आंसर। फाइनल मोमेंटम, मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल मोमेंटम अगर निकालना है, पी फाइनल लिख दे रहा हूँ, M × V, तो M की वैल्यू है 100 और V की वैल्यू है 8, तो ये 800 आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ना थर्ड पार्ट में फोर्स निकालना है, तो फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से आप जानते हैं फोर्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम है 800, इनिशियल मोमेंटम है 500 और टाइम आपको गिवन है 6, तो ये आ गया 300/6, यानी 50 न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको आप लोगों को करने हैं, वरना मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ।